हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डेस्टिनेशन क्लासेस। आज मैं उन स्टूडेंट्स के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी डेस्टिनेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो चाहते हैं रजिस्टर्ड होना या फिर जो सोच रहे हैं रजिस्टर्ड होने के लिए। जनरली पेरेंट्स जो इन्फॉर्मेशन किसी भी इंस्टीट्यूट को में रजिस्टर्ड होने से पहले, अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या बच्चे जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ इस लेक्चर के थ्रू मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो आपकी टाइम लिस्ट। तो सबसे पहला जो हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है वो सबसे पहली जो क्लास होती है वो होगी क्लास नाइन। क्लास नाइन का जो सेशन स्टार्ट होगा वो 3 बजे से स्टार्ट होता है, और इसकी क्लास नाइन का जो स्केड्यूल होगा वो 3 to 4। अब सब्जेक्ट वाइज कैसे होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 to 4 PM जो बैच होगा क्लास नाइन्थ का वो होगा साइंस का, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सेम 3 to 4 PM जो क्लास नाइन्थ का बैच होगा वो होगा हमारा मैथ्स का। अब हो सकता है इसमें कुछ पेरेंट्स को इश्यू आया कि बच्चा ऑलरेडी 2:30 या 2:45 तक आता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 3 बजे तक आ पाए। इसके लिए भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी हमारी इंस्टीट्यूट में क्लासेज होंगी वो सारी स्मार्ट क्लासेज होंगी। तो स्मार्ट क्लासेस में क्या होता होगा कि जो भी लेक्चर मैं जो भी क्लास में लूंगा वो साथ में एट द सेम टाइम वो क्लास रिकॉर्ड भी हो। प्रोजेक्टर में सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, उसमें जो भी क्लास होगी वो सारी एट द सेम टाइम रिकॉर्ड भी होगी। अगर बच्चा लेट हो भी जाता है तो जो भी उस दिन की क्लास होगी वो बच्चे को उसका रिकॉर्डिंग एनालिसिस भी दिया जाएगा। अगर कोई भी टॉपिक्स उसका आगे पीछे छूटता है तो बच्चा उस रिकॉर्डिंग एनालिसिस के थ्रू उसको कवर कर पाए, पहली चीज। दूसरी बात, जो भी क्लास नाइन का सेशन होता है, बैच होता है, उसमें फर्स्ट 15 मिनट्स जो होते हैं उसमें प्रीवियस क्लास का डिस्कशन होता है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आज बच्चों को मैथ्स की क्लास दी, तो मैथ्स में मैंने जो भी कंसेप्ट आज करवाए हैं, बच्चे का होमवर्क क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में उसको वो सारे कंसेप्ट प्रिपेयर करके आने हैं। प्रिपेयर करने में उसको जो हेल्प मिलेगी वो रिकॉर्डिंग या लेक्चर से भी मिलेगी, एट द सेम टाइम जो वो अपने नोट्स बना के जाएगा वहां से वो अपना रिविजन करके नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा प्रिपेयर होके आने। छोटे बच्चे होते हैं, अभी इतनी हैबिट्स नहीं होती है, लेकिन आपको ये भी पता है कि 8th क्लास से 9th क्लास में जैसे बच्चा आता है एक जो लेवल ऑफ स्टडी होता है वो एकदम आपको हो जाता है। तो 9th क्लास में बच्चा जो 10th क्लास में जो उसकी हैबिट्स होती हैं उसके साथ पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कि आज जो हमारी पढ़ाई हुई है साथ साथ में हम उसको प्रिपेयर कर पाए। आई होप अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन जो टाइमिंग होगी क्लास 9th की 3 to 4 PM होगी। जो भी सेम जो भी उस दिन का रिकॉर्डिंग लेक्चर होगा वो नेक्स्ट डे में बच्चे के व्हाट्सएप बच्चे के जो व्हाट्सएप नंबर होगा पेरेंट्स का, बच्चे का, गार्डियन का, उसको हम शेयर करते हैं। बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास बच्चे का होमवर्क क्या होगा कि उसको पूरा लेक्चर प्रिपेयर करके आना थ्रू दैट रिकॉर्डिंग एनालिसिस एज वेल एज जो उसने नोट्स बनाए होंगे उसकी हेल्प से। और फिर नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट 15 डेज जो फर्स्ट 15 मिनट्स जो होंगे उसमें उसका पूरा एनालिसिस करवाया जाएगा, वो रिविजन होगा प्रीवियस टॉपिक। उसमें बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई ये क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आप बताओ। तो इसमें इसमें क्या होगा कि बच्चा साथ साथ में अपनी सारी प्रिपरेशन साथ साथ में लेके चलेगा। ये तो की क्लास 9th की बात। इसके बाद बात होती है टेस्ट की। तो जो भी वीकली टेस्ट होंगे, जो भी टेस्ट होगा क्लास 9th का, वो संडेज को कंडक्ट होंगे। जो भी टेस्ट की टाइमिंग्स होगी वो वीकडेज में बच्चों को बता दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होता है वो होता है सीनियर मोस्ट क्लास, दैट इज क्लास 12। क्लास 12th का जो सेशन हमारा स्टार्ट होगा वो किस तरह से होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दैट इज 4 to 5:30 हमारा होगा मैथ्स। सिमिलरली ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 to 5:30 हमारा होगा अकाउंट्स, राइट। 4 to 5:30 मैथ्स ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 4 to 5:30 अकाउंट्स, यानी 1.5 आवर के सेशंस होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद MWF में 5:30 to 6:30, 5:30 to 6:30 जो हमारा होगा वो होगा इकोनॉमिक्स का बैच, और 5:30 to 6:30 हमारा जो बैच होगा वो होगा हमारा BST का, राइट। अब बात करते हैं असाइनमेंट किस तरह से होंगे। देखो इन सब्जेक्ट लाइक मैथ्स अकाउंट्स ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स का जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है, पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। असाइनमेंट का जो मेन मोटिव होता है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके अपनी ब्रेन को प्रोसेस करो। जब तक आप ब्रेन प्रोसेसिंग नहीं करोगे प्रैक्टिकल कंसेप्ट में, कभी भी आप उन चीजों से फैमिलियर नहीं हो पाओगे, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ब्रेन प्रोसेसिंग कैसे करोगे, किस तरह से मैं करवाऊंगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको मैथ्स की, मैं आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट दूंगा, जैसे कि हमारे कंसेप्ट कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बहुत चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उनके असाइनमेंट शेयर की जाती है, डिपेंड ऑन द चैप्टर टू चैप्टर, ठीक है। तो आपको जैसे कि मान लो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया, देन आई विल हैंड ओवर द असाइनमेंट। बहुत ही जो चैप्टर्स की असाइनमेंट है वो 3 और 4 असाइनमेंट्स में एक पूरा चैप्टर जो होता है वो हमारा डिवाइड होता है। उसका रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हम कवर करके चलते हैं जिसमें आपका आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक, सेंट्रल स्कूल के जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं या सीबीएसई के जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वो सारे कवर करते हैं। तो उसमें जो असाइनमेंट्स होते हैं जनरली काफी ज्यादा असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। मान लो मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया और उसमें 50 क्वेश्चन है। अब आपने आपको पर्टिकुलर आपने उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट किया, वंस यू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, आपने अटेम्प्ट किया 50 क्वेश्चन आपने देखे और आपने इसको अटेम्प्ट किया, मान लो आपसे 5 क्वेश्चन हुए, मान लो चलो 5 का आपसे 2 ही क्वेश्चन हुए, नाउ व्हाट? अब इसके बाद आप क्या करोगे? अब सारे के सारे असाइनमेंट एज इट इज उठा के मेरे पास लेके आओगे, सर मेरे से तो असाइनमेंट हो नहीं रही है, आप मुझे असाइनमेंट करवाओ, और वहीं सारी गड़बड़ हो जाती है। इसका मतलब आपने ब्रेन की प्रोसेसिंग की नहीं, आपने अपना दिमाग अप्लाई किया ही नहीं, जैसे गए थे वैसे के वैसे उठ के आप क्लास में आते। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, हमारा प्रोसीजर ये होगा कि जो भी आपकी असाइनमेंट होगी, जो भी आपकी असाइनमेंट होगी उसका आपको रिकॉर्डिंग एनालिसिस दिया जाए, जो भी आपको असाइनमेंट होगी उसको आपको रिकॉर्डिंग एनालिसिस दिया जाएगा, उसको आपको डे फिक्स किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट शीट मैंने आपको दिया वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे थर्सडे ऑन फ्राइडे यू विल हैव द रिकॉर्डिंग एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। उस असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो आपका वीकली टास्क होगा, मानो 60 क्वेश्चन की असाइनमेंट हो, मेरा टास्क मैंने आपको दिया 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग एनालिसिस मैं आपको शेयर करूंगा। अब आपको उसको प्रिपेयर कैसे करना, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना, आपने जो अटेम्प्टेशन करनी थी वो कर ली, आपसे नहीं हुआ, चलो मान लो आपसे 1 भी क्वेश्चन हुआ, अब आपको क्या करना है, आप वो रिकॉर्डिंग लेक्चर प्ले करोगे और फर्स्ट 10 क्वेश्चन, अगर मान लो 30 क्वेश्चन का आपका टास्क है, तो पहले आप इसको फर्स्ट टेन क्वेश्चन देखोगे, आप एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपनी नोटबुक में नोट करोगे, फिर आप अपनी असाइनमेंट पर जाओगे और वो 10 क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करोगे। आफ्टर अटेम्प्टिंग दोस 10 क्वेश्चन, फिर आप चेक करोगे हाउ मेनी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उसमें से कितने ठीक है, 10 में से आपके 8 क्वेश्चन ठीक है, 9 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत है, जैसे मान लो 2 क्वेश्चन गलत है, 1 क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन जो भी गलत हुए हैं आपके, प्लस नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आप फिर से उनका एनालिसिस देते, फिर ये जो 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, जितने भी क्वेश्चन गलत हुए थे वो, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, फिर उन सबको आप एक साथ करो, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन फिर उसको करोगे, फिर आप पूरे की पूरी जो असाइनमेंट होगी उसको आप एक साथ करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? वो जिस तरह से भी आपने अपना वो प्रैक्टिस किया होगा वो मुझे आप दिखाओगे कि सर ये मेरी असाइनमेंट थी, इनिशियल भी मैंने ये क्वेश्चंस किए थे, मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा और आप मुझे बताओगे, इनिशियल भी मैंने इतने क्वेश्चंस किए थे, जब मैंने रिकॉर्डिंग एनालिसिस देखा उसमें से मेरे इतने क्वेश्चन ठीक थे या मेरा एक भी ठीक नहीं था, फिर मैंने ये फेसिस में इसको प्रैक्टिस किया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड देन द फाइनल फेज, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस अपने एक साथ करके देखे। बच्चों तैयारी अगर स्कोर करना है, परसेंटेज लानी है, तो आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर एवरेज लेवल पर प्रिपरेशन करोगे तो रिजल्ट भी एवरेज ही आने वाला है। यू हैव टू गो थ्रू फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो उस लेवल पर होना जरूरी है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बस एक एक होता है ना, एक पागलपन होता है, एक पैशन होता है, नहीं आई हैव टू डू दिस, बस इस तरह से आपको करना है। इसी तरह से आपके बीएससी में केस स्टडीज आपको दी जाएंगी, इकोनॉमिक्स में आपको न्यूमेरिकल असाइनमेंट दी जाएगी, प्रोसीजर आपका यही रहेगा। मिस किस तरह से उसको करना वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और आपको उसी चीज को फॉलो करना, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कि ठीक है सर आपने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग एनालिसिस दे दिया, उसमें हमने कर लिया, अगर उस पर भी हमें डाउट आता तो क्या, वो भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपने रिकॉर्डिंग एनालिसिस देखा, आपने सारी असाइनमेंट को प्रैक्टिस भी कर लिया, उसमें भी फिर आपके डाउट्स रह जाते हैं, हो सकता है नहीं हो डाउट, हो सकता है उसके बाद भी कोई डाउट्स आपको रहते हैं। उसके बाद आपका एक डे फिक्स किया जाएगा जिस दिन आपका उस असाइनमेंट का लाइव एनालिसिस होगा, वो काइंड ऑफ आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा। पहले आपसे आपके डाउट्स पूछे जाएंगे कि आप भी बताओ क्या डाउट आ रहा है, उनको क्लैरिफाई किया जाएगा, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि 4 क्वेश्चन का असाइनमेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, पीछे स्क्रीन होगी, स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, मैं आपसे और मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। स्मार्ट क्लासेस आई होप आपकी स्कूल में भी होती हूँ, उसमें यही रहता है
कि मेरा फेस आपकी तरफ हो, जैसे मैं अभी हूँ मेरा फेस आपकी तरफ होगा, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और मैं स्क्रीन पर सारी चीजें यहाँ पर जैसे मैं अभी लिखता जा रहा हूँ, ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पीछे मेरे बड़े जो स्क्रीन होगी प्रोजेक्टर स्क्रीन होगी उस पर सारी चीजें डिस्प्ले होगी, आप वहाँ पे सारी चीजें देखोगे और मैं आपके साथ फेस टू फेस कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछो आप बताओ कैसे करोगे, आप बताओ कैसे करोगे। तो इस तरह से आपकी जो असाइनमेंट, अब इसमें हुआ क्या, आपकी ब्रेन प्रोसेसिंग भी होगी, असाइनमेंट्स भी आपकी होगी, सारी चीजें भी होगी। और देखो टाइम कितना बचा, अगर कोई बच्चा 50 क्वेश्चन लेके आ रहा है, आप देखो हर बच्चे का डिफरेंट लेवल होता है, आप इस चीज को समझो। हो सकता है कि मैंने 50 क्वेश्चन की असाइनमेंट दिया जिसमें से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सिर्फ 3 क्वेश्चन में डाउट है, हो सकता है मैंने 50 क्वेश्चन की असाइनमेंट दिया एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को 10 क्वेश्चन में डाउट है, और हो सकता है एक बच्चे से कोई भी नहीं हुआ। अब आप सोचो सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हो गए जिसको 3 क्वेश्चन में डाउट है, वो भी इन 50 क्वेश्चन को समझ रहा है अगर नॉर्मल सिनेरियो में हम जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको रिकॉर्डिंग एनालिसिस दे दिया है, जिस बच्चे से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ वो भी अपने क्वेश्चंस कर पाएगा जब वो रिकॉर्डिंग एनालिसिस को देखेगा कि हाँ भी कैसे कैसे ये सारी चीजें की गई हैं। उसके बाद भी जो उसके डाउट्स होंगे वो काफी मिनिमम हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात उसको एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरे से क्वेश्चंस हो गए हैं, मैं करके जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, दैट इज अ मेन थिंग। उसके अलावा जो भी आपकी क्लासेस होंगी, जो भी आपकी क्लासेस होंगी, जैसे आज मैंने कोई क्लास ली है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपके पास आपके व्हाट्सएप नंबर पर, आप जो भी आप व्हाट्सएप नंबर अपना रजिस्टर करवाओगे, आपको उस लेक्चर का रिकॉर्डिंग लेक्चर का लिंक आपको मैं शेयर करूंगा। अब आपको क्या करना है, बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास आपको वो लेक्चर प्रिपेयर करके आना है, आपके ऊपर है, आप रिकॉर्डिंग एनालिसिस की हेल्प से प्रिपेयर करते हो या फिर उस क्लास में जो भी आपने नोट्स बनाए आप नोट्स के थ्रू प्रिपेयर करते हो। मैं मेरी सिर्फ कंडीशन ये है कि भैया नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको अपना प्रीवियस क्लास का जो लेक्चर एनालिसिस है वो आपको पूरा प्रिपेयर करके आना है। तो सिंपल सी बात है भाई, एक टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक कनेक्टेड होता है, पीछे का टॉपिक क्लियर नहीं होगा आगे वाला कैसे करोगे। और दूसरी बात, जब टॉपिक टू टॉपिक साथ साथ में हम लेके चलेंगे, साथ साथ में प्रिपेयर होते जाएंगे, तो अपने आप ही वो पूरा चैप्टर और सिलेबस आपका प्रिपेयर होता जाएगा। अब बात, ये तो हो गया असाइनमेंट, ठीक है, क्लासेस का स्केड्यूल, सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई हो। अब बात करते हैं टेस्ट की, जैसे कि मैंने अभी क्लास 9th में लिखा है, इसी तरह से क्लास 12th के भी जो टेस्ट कंडक्ट होंगे वो संडे कंडक्ट होंगे। टेस्ट डिपेंड करता है, अगर कोई हार्ड चैप्टर हम कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट में, मैं तो चैप्टर को मैं टॉपिक्स में डिवाइड करता हूँ तो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, लेकिन अगर कोई सिंपल चैप्टर है तो वंस दैट चैप्टर कंप्लीटेड देन देयर विल बी अ टेस्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, जो भी आपके टेस्ट होंगे, हो सकता है कि जैसे मैंने संडे को टेस्ट कंडक्ट किया और मैंने रखा है आपका संडे को टेस्ट है मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का और बीएसटी का, या आपका अकाउंट्स और इको का टेस्ट है, इस तरह से आपके जो भी टेस्ट होंगे संडे पर, एट द मोस्ट आपका पर संडे जो टेस्ट होगा एट वो आपके दो टेस्ट इन अ वीक होंगे, वो कोई भी दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, मैथ्स बीएसटी हो सकता है, अकाउंट्स इको हो सकता है, अकाउंट बीएसटी हो सकता है, कोई भी, डिपेंड की किस चैप्टर के कौन सा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दो जैसे चार टॉपिक्स हैं हमारे, चार चैप्टर हैं, तो एट द मोस्ट भाई जरूरत पड़ने में हो सकता है मैं 3 चैप्टर के भी टेस्ट ले सकता हूँ, एट द मोस्ट नहीं कहूंगा मैं, एटलीस्ट कह रहा हूँ, आप ये मान के चलो जब भाई लेवल पर हमारा सिलेबस आ जाएगा तो दो टेस्ट तो आपके होंगे ही होंगे, लाइक मैथ्स तो रिको हो गया, अकाउंट मैथ्स हो गया, कुछ भी हो सकता है। और ऑन पर्टिकुलर डे ऐसा भी हो सकता है कि मैं 3 टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ, बीएसटी का किसी चैप्टर का टेस्ट है, उसके बाद मैथ्स का किसी टॉपिक का टेस्ट है, इकोनॉमिक्स का किसी चैप्टर का टेस्ट है, इस तरह से भी आपके टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी क्लासेस है वो आपकी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों कंडक्ट होती है, लेकिन जो बच्चे, अभी बहुत ध्यान से सुनना, जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर्ड होंगे उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी, या वो ऐसा नहीं कर सकते कि सर आज मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं आज क्लास के लिए नहीं आऊंगा, नहीं, स्पेशल केसेस में ही उन बच्चों को अलाउ किया जाएगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। स्पेशल केसेस क्या, कि आप कहीं बाहर गए हो, कहीं रिलेटिव के यहाँ गए हो, एक हफ्ते के लिए आप गए हो, बट आप अपनी क्लासेस मिस नहीं करना चाहते हो, इन दैट सिनेरियो आपके पेरेंट्स को बात करनी पड़ेगी कि सर ये हम कहीं बाहर आए हुए हैं लेकिन ये अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेगा, तो आप प्लीज मेरे नंबर पर लिंक शेयर कर देना, मैं इसको वो लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी और इस पर फिर वो आपके आपकी क्लास क्लास जो है वहां से उस पर्टिकुलर जगह से वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जब पेरेंट का कंसेंट होगा, पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स बात करेंगे तभी ये चीजें अलाउ होंगी। या बहुत ज्यादा आपकी तबीयत खराब है, मम्मी का कॉल आ गया, पापा का कॉल आ गया कि थोड़े दिन तक सर इसकी तबीयत खराब है लेकिन ये क्लासेस मिस नहीं करना चाहता, तो ये अपनी क्लासेस को कंटिन्यू आ नहीं सकता, तो ये घर से अपनी क्लासेस लेकर आप इसको लिंक शेयर कर दें, पेरेंट्स के कहने पर ही आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस का लिंक शेयर किया जाएगा, अदरवाइज ये चीज अलाउ नहीं होगी। नेक्स्ट चीज जो सभी बच्चों को ध्यान से समझ लेनी है कि जब आप क्लास में आओगे आपके फोन या तो स्विच ऑफ हो जाने चाहिए, यू आर कैरिंग योर फोन, या आप उनको साइलेंट कर दो,
दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन। पेरेंट्स को कोई बात करनी है, कुछ भी करनी है, वो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई अर्जेंट कोई ऐसी बात उनको वो करना चाहते हैं बच्चे से, तो मेरे नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं। अगर मेरा नॉर्मल नंबर कई बार नेटवर्क इशू की वजह से नहीं मिलता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर नॉर्मली पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं और अगर मैं कॉल पिक नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे मैं फ्री हूँ आई विल कॉल यू। लेकिन अगर किसी नए न्यू नंबर से कॉल आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं कि सर, मैं किसी बच्चे की पर्टिकुलर क्लास को लेकर आपसे इंक्वायरी करना चाहती हूँ, ये बच्चे का नाम है, ये उसकी क्लास है और इस सब्जेक्ट को लेकर हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, या उस पर जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो वो मैं आपको बताऊँगा। आई होप क्लास 12 के बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो जनरली आपके जो जो चीज़ें आप पूछना चाहते हो, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई कर दी हैं। फिर भी कोई चीज़ें अगर रह गई हो, तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है? फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास पर, दैट इज क्लास 6:30 पर। क्लास 12 का सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, क्लास 10th का शुरू होगा 6:30 पर। क्लास 10th की टाइमिंग होगी 6:30 to 7:30। MWF पर इनका मैथ्स होगा, और TTS में जो क्लास 10th है इनका होगा साइंस, ठीक है? और जो भी टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे, वो आपके संडे को कंडक्ट होंगे। असाइनमेंट का प्रोसीजर आपका भी वही रहेगा कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की असाइनमेंट दी जाएगी, पहले आप खुद करोगे, फिर उसका रिकॉर्डिंग एनालिसिस दिया जाएगा आपको, और फिर उसका लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद जो सेशन होगा हमारा, वो होगा क्लास 11 का। क्लास 11 की जो टाइमिंग्स होंगी, वो होगी 7:30 to 8:30 एंड देन 8:30 to 9। MWF, accounts, economics, TTS, maths और PS। अभी क्लास 11 का सेशन हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा हो सकता है कि सब्जेक्ट की मैं फ्लक्चुएशन कर सकता हूँ, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। की जो बच्चे स्पेशली जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है, अगर इनका सैटरडे संडे में कोई इनका कोचिंग होता है, एंट्रेंस की कोचिंग होती है, लाइक नीट की होती है, किसी भी चीज़ की होती है, तो फिर अगर वो बच्चे जैसे 12th का तो मुझे पता होता है, तो 12th के बच्चों को इसलिए MWF में ही मैथ्स रखा जाए, तो ये फ्लक्चुएशन हो सकती है। अभी 12th का जो है सब देखो, टाइमिंग्स तो यही रहेगा 7:30 to 9:30, ठीक है? 7:30 to 8:30, 8:30 to 9:30। अच्छा, जो एक्स्ट्रा क्लासेज होंगे और जो टेस्ट होंगे वो संडे कंडक्ट होंगे। एक्स्ट्रा क्लासेज और जो टेस्ट होंगे वो संडे, जैसे बाकी क्लासेस का उसी तरह से होगा, जो भी वीकली टेस्ट होंगे इट विल बी कंडक्टेड ऑन संडे। तो ये बच्चों सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो पेरेंट्स पूछना चाहते हैं बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो सेम फॉर अस कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आने से पहले सारी चीज़ें पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मुझे लगा कि इस बेटर की मैं एक रिकॉर्डिंग इसकी कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग एनालिसिस बना लेता हूँ। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिफोर गेटिंग रजिस्टर्ड टू एनी अदर इंस्टीट्यूट, जो हम जानना चाहते हैं एज ए पेरेंट्स और एज ए स्टूडेंट, वो सारी मैंने इसमें डाल दी। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जो आपका फीस स्ट्रक्चर है उसका मैं अलग से एक रिकॉर्डिंग एनालिसिस तैयार करूँगा, वो मैं आपको जब भी जो भी बच्चा रजिस्टर्ड होना चाहता है वो उसको मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा। अच्छा, जो हमारे रिकॉर्डिंग जो हमारी ट्रायल क्लासेज है वो ऑलरेडी अभी कम्प्लीट हो चुकी है, जिसमें अकाउंट्स के हमारे 2 ट्रायल हुए थे 1.5 आवर के, मैथ्स के 2 ट्रायल हुए 1.5 आवर के, BST का 1 ट्रायल हुआ है, वो 1 ट्रायल पे मैंने पर्टिकुलर टॉपिक को समअप कर दिया था, और इकोनॉमिक्स का मैंने एक सिंगल ट्रायल लिया था जिसमें सारी चीज़ें मैंने समअप कर दी थी। तो आप इन ट्रायल लेक्चर्स को देख सकते हो या मुझसे पूछ सकते हो कि सर मैं BST के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्लीज शेयर मी द रिकॉर्डिंग एनालिसिस। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप लेटर ऑन ज्वाइन कर रहे हो, अगर स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आप ज्वाइन नहीं करो, तो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो, डेमो लेक्चर लेना चाहते हो, तो आप मुझे बताओ, मैं वो लेक्चर आपको मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। अब वो लेक्चर घर पे देख के अपना एक डिसीजन ले सकते हो कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को लेकर, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड, और उसके बाद फिर क्लास में आके आप अपना जो भी अपना लाइव क्लास में अपना जो भी एनालिसिस होगा वो भी आप ट्रायल के थ्रू अपना कंप्लीट कर सकते हो। एट द सेम टाइम जो आप जब भी आप क्लास किसी भी पर्टिकुलर क्लास में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोर्स के लिए ज्वाइन करते हो, आपको पूरे कोर्स की ही फीस सबमिट करवानी होगी। जो आपकी फी है वो इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाएगी, और आपकी जो कोर्स फीस जो है वो आपको फेब मंथ तक अपनी पूरी कंप्लीट करनी होगी। लाइक अगर कोई बच्चा जून में ज्वाइन करता है सेप्टेम्बर में ज्वाइन करता है, डजंट मैटर, उसको अपने पूरे कोर्स की ही फीस सबमिट करवानी होगी। कोर्स फीस क्या होगी वो आपको फीस स्ट्रक्चर
एनालिसिस में मैं आपको बता शेयर कर दूंगा कि क्या आपकी सब्जेक्ट वाइज कोर्स फीस क्या है सभी क्लासेस की, और वो जहां से भी आप ज्वाइन करते हो वहां से लेके फरवरी मंथ तक जितने भी मंथ्स होंगे उसमें आपकी वो कोर्स फीस इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आई होप जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी मैंने आपको दे दी है। स्टिल अगर किसी भी चीज में क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता है आपको तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो लाइव ऑनलाइन सेशन है और ऑफलाइन क्लासेस का जो हमारा सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको टाइमिंग्स मैं अलग से भी शेयर कर दूंगा, कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी चीज को लेके जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोई भी उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।